नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, यूएन में मिली भारत को एक बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी भारत से हो गया पीछे और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने प्राप्त किया सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने के बाद एस जयशंकर साहब ने 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांग लूँ कि दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से नहीं निकल पा रही है। अभी भी आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत की तरफ से ये जो बड़ी खुशखबरी दी गई है, इसे बताना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी था क्योंकि दोस्तों, भारत ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है और चाइना भारत से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। बिल्कुल दोस्तों, भारत ने यूएन में वीटो पावर का भी रास्ता साफ कर लिया है और आगे आने वाले समय में इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत को वीटो पावर और स्थायी सदस्यता भी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों, यूएन के अंदर भारत ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यूएन के अंदर एक चुनाव कराया गया था जो कि था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन का एक अभिन्न अंग है और इस चुनाव में 24 देश मेंबर होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, भारत ने एक अलग ही प्रकार का स्थान प्राप्त कर लिया है क्योंकि दोस्तों, जहां पर चाइना को सिर्फ 53 वोटों में से 19 वोट मिले हैं, वहीं पर दोस्तों भारत ने एक कीर्तिमान रच के बता दिया है कि हम भारतीय भी किसी से कमजोर नहीं है। एस जयशंकर साहब की रणनीति आज बिल्कुल काम आ रही है क्योंकि दोस्तों, भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो यूएन के अंदर स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो कार्यभार होता है वो स्टैटिक डिवीजन को देखने का कार्यभार करता है। इसमें 24 देश सेलेक्ट किए जाएंगे जिसमें से दोस्तों, भारत ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। आप लोग मैं बता दूँ, 5 देश अफ्रीकन स्टेट से और 4 देश एशिया पैसिफिक से, वहीं पे 4 देश ईस्टर्न यूरोप से और दोस्तों लैटिन अमेरिका और मन स्टेट से लगभग 4 देश और दोस्तों 7 देश वेस्टर्न यूरोप और अदर देशों में से है। अब ऐसे में दोस्तों देखा जाएगा तो भारत ने एक अलग ही कीर्तिमान रच दिया है, जहां पर दोस्तों चाइना सिर्फ 19 वोट पाता है तो वहीं पे दोस्तों भारत 53 में से 46 वोट को हासिल कर लेता है। पूरी दुनिया में आज भारत का बोलबाला है और आगे आने वाले समय में इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत को वीटो पावर भी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, वीडियो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच पा रहा हूँ, आप लोगों को डिटेल से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सुन सकते हो कि मेरा गला सही होता है, उसके बाद से मैं आप लोग को अच्छे तरीके से खबरें और अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराने लगूंगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। भारत की जो ऐतिहासिक जीत हुई इसको लेकर नीचे कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिएगा। चलते चलते बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।